राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट के समीप संतोषी माता मंदिर के पास शुक्रवार सुबह 3:30 बजे के करीब गेहूं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से 50 फुट नीचे लुढ़क गया, जिसके चलते 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। ट्रक हरियाणा से कुल्लू जा रहा था। ट्रक जैसे ही संतोषी माता मंदिर से थोड़ा आगे पहुंचा तो ज्यादा उतराई के चलते चालक ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते ट्रक सड़क से नीचे लुढ़क कर चीड़ के पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चीड़ का पेड़ जड़ से उखड़कर 2 हिस्सों में बंट गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति ने नालागढ़ अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ा। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी स्वारघाट बलबीर सिंह ने की है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर।